Hello student, this video lecture is about the midpoint theorem and its converse. So here we will learn how to do the proof of the midpoint theorem and its converse. As we know that theorems are very important for us because firstly they are coming as it is in the exam. So if we know the proof of the theorem, then we can even score the full marks here. And the secondly, if you know the basics of the theorem, then that helps you to solve the geometry question in an easier way. So let's start midpoint theorem. So start karte hain midpoint theorem. So statement of the theorem is line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side and equal to half of it. So this is the statement of the theorem. Statement आपको ज़रूर memorize करना है. और तो देखते हैं क्या given है statement में. A triangle ABC in which D there are two midpoint line segment joining the midpoint of any two sides of the triangle. So two midpoints are there. D and E are the midpoints. So given में क्या है हमारे पास theorems करने के जो steps हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से मेमोराइज करना है कि स्टेटमेंट पहले प्रॉपर स्टेटमेंट होनी चाहिए. इफ़ इट इज़ रिटन कि स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम देन इन दैट केस यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. बट अगर स्टेटमेंट गिवन है एंड प्रूव इट तो स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल स्टेटमेंट को मेमोराइज कीजिए. सो वट इज़ गिवन ट्राइंगल ए बी सी इन विच क्या गिवन है हमारे पास डी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका मिड पॉइंट है ए बी. सिमिलरली ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. राइट टू प्रूव डी ई इज पैरेलल टू बी सी डी ई इज हाफ ऑफ बी सी. द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. अभी हम इसमें क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए आई नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. तो मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है. कंस्ट्रक्शन को अगर आप डॉटेड में करेंगे सो वो ठीक रहेगा. सो मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ कि वो एग्जामिनर को भी क्लियर होगा कि दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड और उसको पूरा मेंशन करना है. क्या मैंने कंस्ट्रक्ट किया सी एफ पैरेलल टू बी ए. CF parallel to BA which meets DE when produced. Okay, so construction में draw CF parallel to BA which meets DE produced at F. okay, draw CF parallel to BC. मैंने CF को BA के parallel construct किया है जो कि किसको DE को F point पे meet कर रहा है. okay, to prove proof. so अभी start करते हैं proof. आप इसको note कर लेंगे. so start करते हैं proof. प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ. ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल सी ई एफ को मैं क्या कर रही हूँ कंकरेंट करते हैं. सो मुझे पता है सी एफ पैरेलल है बी ए के. तो अगर मैं इसको एंगल वन और एंगल टू कंसिडर करूँ तो आई कैन राइट एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ऑल्टरनेट एंगल. सिमिलरली ए इक्वल टू ई सी. वाई इक्वल टू ई सी बिकॉज ई इज़ द मिड पॉइंट. ओके ई इज़ द मिड पॉइंट. एंड मैं क्या कह सकती हूँ इफ़ आई कंसिडर दिस एंगल थ्री एंड एंगल फोर. सो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर द रीज़न इज वर्टिकली अपोजिट
एंगल. तो क्या हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ई एफ. हमारा ए डी ई जो है वो सी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. कौन से कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा? एंगल साइड एंगल बाय ए एस ए. ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब दोनों ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसमें? डी ई इज इक्वल टू ई एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ. रीजन बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ओके, नाउ ए डी इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया है? सी एफ. ए डी इक्वल टू सी एफ आ गया. बट ए डी किसके इक्वल है बताइए? ए डी किसके इक्वल है? डी बी के इक्वल है. द रीज़न इज, सबके रीजन्स अच्छे से मैंशन करने हैं. डी इज द मिड पॉइंट. डी इज द मिड पॉइंट. सो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन से? हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर सी एफ इक्वल टू डी बी. इन दोनों इक्वेशन से देखिए, इन दोनों इक्वेशन से मैं बोल सकती हूँ ए डी ए डी कट सी एफ इज इक्वल टू डी बी. तो सी एफ मेरा किसके इक्वल आ गया? डी बी के. ऑल्सो सी एफ जो है दैट इज़ पैरेलल टू डी बी, क्योंकि सी एफ अगर बी ए के पैरेलल है दैट इज़ वी हैव डन इन कंस्ट्रक्शन. सो we have supposed that in construction, so CF is also parallel to DV. So therefore, मैं क्या बोल सकती हूँ? हमारा जो ये है quadrilateral है BCFD is a parallelogram. Okay. तो मेरा क्या हो गया? BFC बी ए बी सी एफ डी मेरा एक पैरेलोग्राम हो गया. इफ बी एफ बी सी एफ डी इज अ पैरेलोग्राम तो मैं क्या बोल सकती हूँ? देयर फोर मैं क्या बोल सकती हूँ इन दैट केस? डी एफ इक्वल टू बी सी. वाई डी एफ इक्वल टू बी सी? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम. ओके, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेलोग्राम. ओके, एंड डी एफ को मैं क्या लिख सकती हूँ? डी ई प्लस ई एफ इक्वल टू बी सी. एंड डी ई एंड ई एफ, डी ई एंड ई एफ इक्वल है, देखिए हमने किया था बाय सी पी सी टी. तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ट्वाइस डी ई इक्वल टू बी सी और डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. एंड सिंस इट इज़ अ पैरेललोग्राम देयरफॉर डी एफ पैरेलल बी सी, तो हम बोल सकते हैं डी ई इज ऑल्सो पैरल बी सी. तो ये कंडीशन और ये कंडीशन दैट आई नीड टू प्रूफ. तो ये मेरा मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ हो गया. सो देखते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट. अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरल टू अनदर साइड एंड इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड एट इट मिड पॉइंट दैट इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड. सो इसमें क्या गिवन है? उसमें क्या गिवन था? टू मिड पॉइंट्स वर गिवन, बट हेयर ओनली वन मिड पॉइंट इज गिवन. ओके, इसमें क्या गिवन है हमें? ट्राइंगल है जिसमें कि ए बी सी, इसमें सिर्फ बोला है डी इज द ओनली वन, इधर डी और ई कुछ भी, ओनली वन इज वन मिड पॉइंट इज गिवन. सेकेंड जो है ई, ये मिड पॉइंट होगा ये हमें प्रूव करना है. साथ में एक इसमें ये दिया हुआ है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, पैरेलल टू द अनदर साइड दैट इज ऑल्सो गिवन. दैट इंटरसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये हमारे पास एसी थर्ड साइड है एट इट्स मिड पॉइंट. सो ये जो मिड पॉइंट है ये इसको थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करेगा एट इट्स मिड पॉइंट दैट इज बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मींस एसी को वो बाइसेक्ट करेगा. इन शॉर्ट ए इक्वल टू ईसी मुझे प्रूव करना है. सो पहले मैं क्या करती हूँ? क्या थ्योरम्स का वे होता है? सबसे पहले गिवन लिखा जाता है. गिवन में ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज द मिड पॉइंट, डी मिड पॉइंट है. ओके, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी, बस ये दो कंडीशन है. ई इज नॉट द मिड पॉइंट. टू प्रूव करना है मुझे ई इज द मिड पॉइंट, दैट इज
ए इक्वल टू ई सी, ये मुझे प्रूव करना है। अब इसमें भी मैं वही कंस्ट्रक्शन कर लेती हूँ जो मैंने लास्ट थ्योरम में किया था। तो मैं क्या करूँगी, ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए एंड विच मीट्स डी ई व्हेन प्रोड्यूस एट एफ। ओके, सो इसमें भी मैंने सेम कंस्ट्रक्शन किया है। सो ड्रॉ सी एफ पैरेलल टू बी ए विच मीट्स डी ई प्रोड्यूस्ड एट एफ। ओके, तो अब हम देखते हैं प्रूफ। मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में जो प्रूफ है उन दोनों में बस बहुत चीज़ें सिमिलर है, बस बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ करना है, कैसे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। तो आप इस पे एक चीज़ पे फोकस कीजिए। मैंने जब मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ किया था तो मैंने इन दो ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रेंट किया एंड देन बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ किया। क्योंकि ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है तो इसमें मैं उल्टा काम करूँगी, जस्ट रिवर्स ऑफ इट। तो पहले मैं क्या करूँगी, बी सी एफ डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करूँगी एंड देन मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करूँगी। तो ऐसे आपको एग्जाम तक मेमोराइज रहेगा कि हाँ अरे ये क्या स्टार्टिंग था, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम यही होती है, सब कुछ आता है लेकिन स्टार्टिंग का याद नहीं आता है कि कैसे इसका स्टार्ट करें। तो स्टार्ट क्या करना है, जस्ट उसका अपोजिट, यानी बी सी एफ जी को पहले हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं इसको पैरेललोग्राम प्रूफ। हाँ, तो अभी हमें ये पता चल गया हमें काम क्या करना है। तो देखिए जरा, हम क्या कह सकते हैं, सी एफ पैरेलल है बी ए के। ओके, सी एफ इज़ पैरेलल टू बी ए, तो मैं क्या कह सकती हूँ, सी एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। ओके, रीज़न देंगे इसका हम बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन किया है हमने, एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, तो मैं क्या कह सकती हूँ, डी एफ इज़ ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। तो अगर मैं इसको इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन टू लूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ, फ्रॉम वन एंड टू मैं क्या बोलूँगी, जो ये है मेरे पास बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बी सी एफ डी मेरा क्या हो गया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर अपोजिट साइज, बोथ अपोजिट साइज अगर पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम होता है, या फिर एक अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है तो भी वो पैरेललोग्राम। तो यहाँ मेरी अपोजिट साइज जो है वो पैरेलल आ गई तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो मैं क्या बोल सकती हूँ इन दैट केस, ए डी सॉरी बी डी इक्वल सी एफ। रीजन, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एंड बी डी मेरा किसके इक्वल है, बट बी डी किसके इक्वल है, ए डी के, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट, वो हमारा क्वेश्चन में गिवन था, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन से बताइए मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी बी डी कट, तो देयर फोर मैं क्या लिख सकती हूँ, सी एफ इज इक्वल टू ए डी। सी एफ इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया, ए डी, फाइन। अच्छा जी, अब मैं जरा जो ट्राइंगल्स हैं उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेती हूँ। तो पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल को। देखिए मैं एकदम अपोजिट काम कर रही हूँ जो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ करने के लिए किया था, उसमें मैंने कॉन्ग्रेंट पहले किया एंड पैरेललोग्राम बाद में। यहाँ मैंने पैरेललोग्राम पहले प्रूफ किया, अब मैं कॉन्ग्रेंट करूँगी। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं हम, अगर मैं इसको एंगल वन ले लूँ, इसको एंगल टू, ये लाइन हमारी पैरेलल है, मीन्स ए बी एंड सी एफ पैरेलल है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू ऑल्टरनेट एंगल। ओके, ऑल्टरनेट एंगल, एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ प्रूव्ड अबव,
अबव मतलब ये हमने यहाँ पर इसको प्रूव किया है, हमने पहले प्रूव कर लिया. एंड इफ़ आई कंसिडर दिस एंगल 3 एंगल 4, क्योंकि ये लाइन भी पैरेलल है बिकॉज वो पैरेललोग्राम है, सो 3 इक्वल टू 4 ऑल्टरनेट एंगल. तो हम क्या बोल सकते हैं इन दैट केस, मेरा ए डी ई जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई एफ सी बाय विच कॉन्ग्रेंसी बोलिएगा, एंगल साइड एंगल. उसको भी हमने एंगल साइड एंगल से ही कॉन्ग्रेंट किया था. सो एंगल साइड एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो गया. सो इफ इट इज कॉन्ग्रेंट देन मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू ई सी बाय सी पी सी टी. ओके, तो ये मेरा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो ए इक्वल टू ई सी हो गया मेरा, दैट इज ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, दैट आई नीड टू प्रूव. So now we have finished the midpoint theorem and the converse of midpoint theorem. Now you are in position to distinguish the major difference between the midpoint theorem and the converse of midpoint theorem. So midpoint theorem mein kya hai? If the two midpoints are given, then you need to apply the midpoint theorem in your question. Okay, and if only one midpoint is given and the second criteria which is given ki the line is parallel to the other side, so only one midpoint is given, then you need to apply the converse of midpoint theorem. To iske sath sath aapko ye result yaad rakhna hai ki midpoint theorem ka result kya hai and converse of midpoint theorem ka result kya hai.